जेडीयू नेता साबिर अली करीब 1.5 साल बाद एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने साबिर अली को सदस्यता दिलाई। आपको बता दें, पिछले साल मार्च में भी साबिर बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने साबिर अली को पार्टी में शामिल करने का विरोध किया था, जिसके बाद साबिर अली की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। साबिर अली एक बार फिर बीजेपी में शामिल हो गए, हमारे साथ हैं साबिर अली। साबिर जी, क्या पुराने गिले शिकवे सब दूर हो गए? बिल्कुल, गिले शिकवे तो उसी वक्त दूर हो गए थे, और मैं समझता हूँ कि मेरी कोई जातिगत लड़ाई नहीं थी, जो बात थी उन्होंने कह दिया था कि मिस आइडेंटिफिकेशन थी, और उसी वक्त गिले शिकवे दूर हो गए थे। पार्टी में दोबारा आने में वक्त ज़रूर लगा। आगे अब क्या चुनाव लड़ने की भी तैयारी? नहीं नहीं, पार्टी जो काम देगी वो काम करेंगे, और हम जहाँ रहते हैं बिल्कुल बड़ी मजबूती से काम करते हैं। नकवी साहब ने आपका जिस तरह से विरोध किया था, क्या उनसे ग्रीन सिग्नल मिल गया? नहीं नहीं, पहले वो तो उसी वक्त उनके साथ हमारे बात हो गए थे, उन्होंने कह दिया कि हमारी मिस आइडेंटिफिकेशन हो गई थी, उन्होंने ऑन रिटर्न कहा, हमसे मिले, मिलते रहे और लगातार बात ही हो रही, और कभी ना किसी के नाम के बहुत भी फ़र्क पड़ने की भी आइडेंटिफिकेशन की वजह से बातों में कोई आधे अगर कहीं बीच में आ जाती है तो ये अगले शिकवे बहुत पहले दूर हो गए हैं। और आगे क्या जिम्मेदारी क्या मिलेगी, किस तरह से? पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, जो जिम्मेदारी देगी वो निभाएंगे।